हाउ टू स्टॉप हेयर फॉलिंग इन दोनों तरफ साइड में बिल्कुल धीरे धीरे साफ होता चला जा रहा है डॉक्टर ऐसी हम पूछेंगे की आखिर इसका सोलूशन क्या है। ये है मेडिकल केयर सेंटर फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके पूरे सर में जो है यूज करना है सुबह और शाम बट इफ यू वॉन्ट मोर हेयर न्यू हेयर तो so, आज का जो हमारा टॉपिक है ये यार इस पे इस टॉपिक में मैं व्लॉग या वीडियो बनाना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे लगता है कि बनाना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि यहाँ पर कुवैत में कुवैत में क्या हर जगह लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर कुवैत में बहुत सारे लोग ज़्यादातर लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं यहाँ पर कुवैत में और मैं भी इस प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर एक ब्लॉग बनाना चाहिए और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टॉप हेयर फॉलिंग इन कुवैत यानी बालों का गिरना कैसे रोके इस बारे में आज हम बात करेंगे क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना ये यहाँ पर कुवैत में हंड्रेड में से एटी परसेंट लोग ऐसे होंगे जिनको ये जो प्रॉब्लम है ना इसको फेस करना पड़ता है ना चाहते हुए भी और उन्हीं में से मैं वो एक बंदा हूँ जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है पिछले काफी टाइम से मैं जब यहाँ पर कुवैत में आया था ना तो उस टाइम मेरे जो बाल थे वो बिल्कुल घने घने बाल थे लेकिन जितने घने बाल थे उतने ही देखो बिल्कुल हल्के हो गए ये सामने का जिसका मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ साइड में ये दोनों तरफ साइड में बिल्कुल धीरे धीरे साफ होता चला जा रहा है सो so, ये प्रॉब्लम यहाँ के पानी की वजह से होती है या फिर यहाँ के मौसम की वजह से होती है या फिर किसी और वजह से होती है इसका आज हम पता लगाएंगे आज के हमारे इस लॉग में और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके लिए आज हम जाएंगे यहाँ पर किसी एक डॉक्टर के पास और डॉक्टर से हम पूछेंगे कि आखिर इसका सल्यूशन क्या है ओके okay? सो so, चलो चलते हैं डॉक्टर के पास ओके okay? Okay. ये है मेडिक्स मेडिकल केयर सेंटर ये यहाँ पर फाइल का ये भी काफी बड़ा है ये नया नया ओपन हुआ है इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ से मैं आपको बाहर से भी जहाँ से एंट्री होती है वहाँ से मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर बाहर में लिखा है मेडिक्स आ, मेडिकल केयर वहाँ पर वो फार्मेसी है और इसके अंदर से हम अभी जाएंगे यहाँ पे हेयर फॉलिंग का डॉक्टर है क्या अभी हेयर फॉल हेयर फॉलिंग के डॉक्टर है स्किन का स्किन स्किन डॉक्टर है आप, uh, आप, रे रे रे? रे? आप एक को फ्लोर में जाओ अदर अवेलेबल है हाँ एक ही फ्लोर में ठीक है ओके ओके मैम इज देर अवेलेबल हेयर फॉलिंग डॉक्टर फॉर हेयर फॉलिंग आई हैव हेयर फॉलिंग नाउ टू मच ओके यू वांट टू कंसल्ट विद डॉक्टर फर्स्ट या ओके कंसल्ट विद डॉक्टर दिव्या देन शी विल डू फॉर यू ट्रीटमेंट ओके ओके वेयर आई हैव टू गो नाउ जस्ट गो देयर इवन हैव अ देयर नेशनल शी विल ओके You are Kali Muhammad. Yes. Okay. See, the PRP there is another treatment mm. where we take blood from you mm. and the vitamins we inject in the scalp. Mm. But uh, the rim, the hair which is present, it will be good. Mm. But if you want more hair, new hair, mm. you have to use this minoxidil. Okay. Mm. Only one side effect with this minoxidil is after two years when you stop, the hair which has come will go. But with that, you can also do PRP therapy. Okay. Mm when you are stopping you have to consult the doctor and stop it okay. it means the that hair will not come permanently if i stop that then this yes will yes like this, like this this is the mm -hmm. treatment we have that's what if you want permanent hair solution mm hair -hmm. transplantation is the best one okay mm -hmm. but anyhow even hair transplantation doctor will start you on minoxidil okay so i'm starting you on minoxidil you can use it for three months four months let's see okay Mm. This one is minoxidil lotion. Mm. Okay, mm -hmm. you have to spray eight sprays one, two, three, four, five, six, seven, eight. Spr press it. Okay, Press. okay. Okay. And another is uh, shampoo. Mm. Alternate night, you can use the shampoo. Mm. Okay, alternate days, you can use the shampoo. Leave it for five minutes and wash it up. Mm. Okay, after one month, come to me. Mm. I may do plastic PRP therapy. Okay, first, okay. it will prevent you from becoming bald. Okay. Mm. This spray has to be applied. one, two, three, four, five, 2, 3, 4, 5, 6, seven, eight. Uh, what, is the, what is the timing? Uh, morning and night. Morning night. Night, okay. Till this, you apply this spray. 1, okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight. okay. And then press it. Press, uh, press uh, the hair. Uh, yes, press on okay? How, how many minutes I will press this? Five minutes. Five minutes. Okay, and you can go to work. Night also you have to do. Oh, okay? Oh, okay. Uh, this I'm also thinking now that uh, if I remove this all, this hair then... Bald, Oh huh? no, You want yeah. to become shave, huh? Yeah, yeah, shave. Oh, you can shave, no problem. But this is lotion type, no need to worry. Mm -hmm. No need to shave, okay? And the shampoo I have given, you can use it, uh, anti-hair loss shampoo, you can use it, okay? And Shower pump, time. Next, uh, yes, yes. next And uh, apply the shampoo, leave it for five minutes and wash it off. <laughs> and next month, you come for PRP therapy, okay? PRP therapy. Oh, what, what is it, uh, the uh, therapy? The, we take your blood oh. and the centrifuge, the vitamins. We take the vitamins from your blood and inject it in on your scalp, okay? Oh. it will like It is like using uh fertilizers to your plants, like mm -hmm. uh, for the scalp nutritions we are giving, okay? It will improve the hair loss. ओके ओके सो गाइज अभी मैं यहाँ पर अंदर में गया था डॉक्टर के पास में और वहाँ पर मैंने परमिशन लिया कि यहाँ पर हम शूट कर सकते हैं क्या अपने आप को ही मैंने बोला कि मैं क्या अपने आप को शूट कर सकता हूँ आपसे बात के दौरान जो भी बात होगा सो so, उसने मना कर दिया था फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया शूट करने के लिए सो so, वहाँ पर जो भी बात हुआ वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ लेकिन पहले हम थोड़ा यहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा है तो थोड़ा सन्नाटे में चलते हैं उसके बाद में हम आपको बताते हैं यहाँ पर हम हमारी जो डॉक्टर से बात हुई वो क्या बात हुई लेटर ओके सो गाइज अभी हम बात कर लेते हैं कि मैं अभी जब डॉक्टर के पास गया था तो वहाँ पर मेरी क्या बात हुई डॉक्टर से सो so, जब मैं वहाँ पर अंदर गया ना जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे नंबर लगे हुए थे और मुझे जो टोकन नंबर मिला था वो मेरा टोकन नंबर फ़िफ्टीन नंबर यानी पंद्रह नंबर का टोकन मिला था तो करीब आधे घंटे तक हमको वहाँ पर वेट करना पड़ा लाइन में फिर उसके बाद में जब मेरा नंबर आया तो डॉक्टर के पास मैं जैसे ही गया तो डॉक्टर ने पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है सो मैंने जो मेरा हेयर का प्रॉब्लम वो मैंने बताया कि मुझे हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम है सो उसके बाद में उसने मुझसे यही कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ना ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं ये यहाँ पर कुवैत में आप पहले ऐसे बंदे नहीं हैं जो मेरे पास ये आकर के क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे पास डेली ऐसे लोग आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है हेयर फॉलिंग की यहाँ तक कि जेंट्स जो होते हैं उनको तो प्रॉब्लम होती है हेयर फॉलिंग की उसने बताया कि यहाँ पर मेरे पास बहुत सी ऐसी लेडीज़ भी आती हैं जो यहाँ पर कवैत में रह रहे हैं जिनको जिनको ये सेम प्रॉब्लम है हेयर फॉलिंग की यानी ये यार जान करके मुझे यार थोड़ा अचंभा हुआ कि मतलब आदमी लोग के तो बाल गिरते हैं यहाँ पर फीमेल लोग के भी जो है बाल की जो प्रॉब्लम वो है यहाँ पर कुवैत में और शायद गल्फ कंट्री में हर जगह है सो फिर मैंने पूछा कि आखिर इसका सलूशन क्या है क्यों ये चीज़ यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि लोगों के यहाँ पर बाल गिरना चालू हो जाते हैं ये किस रीज़न से क्या प्रॉब्लम क्या है सो तो उसने मुझसे कुछ पॉइंट थे जो उसने मुझे बताया तो सबसे पहला रीज़न उसने मुझे जो बताया कि मैं पहले उसने मुझसे पूछा कि आपको क्या कोई स्ट्रेस है कोई टेंशन है काम की या जॉब की या फैमिली की तो मैंने बोला मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो उसने बोला कि यहाँ पर कोैत में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को जो होती है वो इसी वजह से स्ट्रेस होती है किसी को जॉब की टेंशन रहती है किसी को फैमिली की टेंशन रहती है किसी को काम की टेंशन रहती है और इन प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर लोगों के मन में माइंड में दिमाग में जो है स्ट्रेस आती है जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम है ना ये ज़्यादातर इसी वजह से आती है स्ट्रेस की वजह से इसके अलावा यहाँ के मौसम में वेदर में डस्ट बहुत होता है गर्मी के टाइम में ज़्यादातर होता है तो डस्ट से बचने के लिए आपके टोपी लगा लो या फिर रुमाल जो भी है पूरा मतलब ये हिस्सा जो है कवर होना चाहिए जब भी आप बाहर जाओ तो इसके अलावा जो यहाँ का पानी है उसने बताया कि पानी जो यहाँ का है जब भी आप नहाने जाओ तो नहाने के टाइम यहाँ का पानी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं होता है यहाँ का पानी उतना क्लीन नहीं होता जैसे हम हम लोग के यहाँ इंडिया में रहता है कि कहीं से भी पानी पाइप से निकाल लिया पी लिया यहाँ पर वैसा सिस्टम नहीं है यहाँ का जो पानी है वो समंदर का फिल्टर होकर के आता है तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं तो उसने बोला कि आप जब भी नहाने के लिए जाओ तो फिल्टर का पानी यूज़ करो अगर आपके पास फ़िल्टर नहीं है तो बाहर से जो फ़िल्टर का आ, ये जो बोतल वाला पानी होता आ, आता है उसको आप यूज़ करो अपने ये सर को धोने के लिए इसके अलावा नेक्स्ट जो आ, एक और रीज़न हमको बताया उसने कि यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है ना लोगों का इतना ज़्यादा इंडिया से आने के बाद में या फिर जहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ पर कोर्ट में वो इतना ख़राब हो जाता है जैसे कि अभी मेरी ही मैंने अपना ही मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे यार मैं जब भी सोने के लिए जाता हूँ रात के टाइम में तो मैं मोबाइल एक या दो घंटा जरूर यूज़ करता हूँ तो ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है उसने बोला कि आप जब भी सोने के लिए जाओ बेड पे तो मोबाइल को बिल्कुल भी यूज़ मत करो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है उसने बताया कि ये जो बाल गिरते ना इसकी वजह से और आपकी जो नींद है उसने ये भी बताया कि आपकी जो यहाँ पर नींद है नींद आपको प्रॉपर तरीके से पूरी लेनी है अगर आपको ये प्रॉब्लम दूर करनी है तो सो so, ये सारा बातचीत होने के बाद में उसने मुझे कुछ दिया है अब ये एक ऑयल दिया है और एक शैम्पू दिया है यूज़ करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये कुछ इसका मैं फोटो भी लगा दूंगा स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है तो स्क्रीन पे लगा दूंगा आपको दिख रहा होगा ये कुछ यहाँ पर एक ये शैम्पू दिया है यूज़ करने के लिए डेली मुझे यूज़ डेली नहीं उसने बोला कि एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन आपको ये आपके सर में यह यूज़ करना है नहाने के टाइम में और ये एक ऑयल दिया है छोटा सा है ये पता नहीं आपको सही से दिख रहा है ये एक ऑयल है जिसको मुझे अप्लाई करना है अपने सर में हर दिन सुबह शाम ये दोनों टाइम में अपने पूरे सर में जो है ये एक बोला कि स्प्रे टाइप का है तो ये स्प्रे टाइप का आपके पूरे सर में जो है यूज़ करना है सुबह और शाम तो या ये कुछ था आज के हमारे इस ब्लॉग में और उम्मीद है हमारी ये जो प्रॉब्लम है यार ये सॉल्व हो जाएगी जो भी हमारी दिक्कत है हेयर फॉलिंग की ये ख़त्म हो जाएगी अगर खत्म हो जाएगी इससे हमको कुछ भी अगर हमको फ़ायदा होगा तो आगे आने वाले हमारे जो व्लॉग्स हैं उनमें हम आपको अपडेट दे देंगे अगर हमको इससे कुछ फ़ायदा होगा सो so, फिलहाल अभी इस व्लॉग को यहीं पे हम एंड करते हैं और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में ओके okay? और हाँ व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर देना ताकि इस चैनल पर कोई भी नया व्लॉग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा ओके सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में ओके सो तब तक के लिए बाय बाय सो ये है फाहिल का शिफ़ाल जजीरा मेडिकल सेंटर मुझे लगता है कि ये फाहिल का सबसे बड़ा मेडिकल है और इसकी बिल्डिंग मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके का यहाँ पर बना हुआ फाहिल का मैं ये सीन आपको अभी दिखा रहा हूँ फाहिल का ये मेडिकल है सो चलो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या माहौल है